गाइज मैंने ना नीचे वाले फ्लोर में भी टीवी लगवा ली। आपको तो पता ही है गाइज मेरे ऊपर वाले फ्लोर में टीवी लगी हुई थी। गाइज बार बार मैं ऊपर जाता था टीवी देखने के लिए, लेकिन अब गाइज मैंने यहीं पे टीवी लगवा लिया है और गाइज अब मजे से बेड पे लेटे लेटे टीवी देखूंगा, बहुत मजा आएगा। टच मैक्स गेमर की वीडियो देखूंगा और गाइज उसकी वीडियो को हमेशा मैं तो लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब भी करता हूँ। गाइज आप भी कर देना फटाफट से। और गाइज देखो यार मैं क्या गोरा लग रहा हूँ यार, सिंचन से तो गोरा हो ही जाऊंगा मैं। बॉस ये वाला घर देख लो बॉस, मेरे को तो ये वाला घर बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बताओ घर मेरे को चाहिए तेरे को चाहिए? तेरे पसंद का तुम डालूंगा अपनी पसंद कर लूंगा। ठीक है बॉस, जोन से अगर आपको अच्छा लगे बस वो ही घर ले लेना। बॉस एक सामने भी घर आता है, बॉस ये वाला घर ले लो। बॉस आप ये घर नहीं ले सकते बॉस, ये किसी का खरीदा हुआ घर है। अरे तो मैं क्या करूँ, अब इसी घर पे रुको, अब मुझे यही वाला घर चाहिए, अब यही घर मेरे को पसंद आ गया। आओ मेरे साथ, अगर ये घर का मालिक फालतू बोलेगा तो इसकी हड्डियां तोड़ेंगे, समझ रहे हो ना? अब मुझे यही घर चाहिए। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। बॉस आपको ये घर पसंद आ गया ना, अब बॉस आपका ही घर होगा ये। आओ तो आओ मेरे पीछे पीछे आओ, फटाफट से देखो तो इस घर का मालिक कौन है। हाँ घर तो काफी शानदार लग रहा है, अंदर से ये बच्चा कौन है? अरे यार आप कौन हो ये तो बताओ, हमारे घर में कैसे घुसे चले जा रहे हो? ए बच्चे अपने भैया को बुला फटाफट से, कौन है इस घर का मालिक? अरे यार आज चौप नहीं, अगर चौप घर पे होता ना तो तेरी टांगे काट लेता, वो स्वीटी से मिलने के लिए गया हुआ है। बुला ले जल्दी बुला ले। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है बाहर ना कोई आया हुआ है, सिंचन उससे बातें कर रहा है। सिंचन कौन आया है? फ्रैंकल भैया कोई आया यार आपको बुला रहा है? फ्रैंकल भैया मेरे को तो गुंडा लग रहा है वो। सिंचन आ तो सही, मैं भी तो देखो कौन गुंडा है। अरे बाबरे गाइस ये तो यार गैंग वाले हैं। हाँ तो हमें तो जानता ही होगा, माफिया गैंग है हम। अरे हाँ भाई आपको कौन नहीं जानता, आप तो पूरे लॉस सैंटोस के गुंडे हो। हाँ तो फिर ये सुन ले, ये घर अब मुझे पसंद आ गया, अब इस घर से फटाफट से निकल जा। अरे क्या करो? नहीं भाई नहीं ऐसा मत करो यार, ये मेरी मेहनत की कमाई का घर है। अरे फ्रैंकल भी मत देना अपना घर, ऐसे कैसे ले लेगा यार हमारा घर? अरे देना तो पड़ेगा क्योंकि ये घर मेरे को पसंद आ गया। अरे हाँ हमारे बॉस को ये घर पसंद आया, हम तुम्हें देना तो पड़ेगा, फटाफट से अपना झोला वोला उठाओ और निकलो। और हाँ तुमको हम एक घर भी देंगे, ऐसी बात नहीं घर नहीं देंगे, जो बाहर गाड़ी गाड़ी है वो गाड़ी तुम्हारी हुई, और एक घर की लोकेशन भेजेंगे वो घर भी तुम्हारा हुआ। अरे नहीं यार ये हमारा घर है यार, मेरे फ्रैंकल भैया की मेहनत का घर है यार, ऐसे कैसे तुम ले लोगे? बच्चे ज्यादा मत बोल वरना गोड़ी से उड़ा दूंगा। अरे हाँ सिंचन तूने इनसे ज्यादा मत बोल भाई, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे फ्रैंकल भैया खतरनाक लोग तो हमारे घर छीन लेंगे कि यार, अगर फ्रैंकल भैया भी यहाँ पे चौप होता ना तो इनकी टांगे काट लेता यार वो। आजा सिंचन अब हम कुछ नहीं कर सकते, आजा तू अपना सामान पैक कर ले, मैं भी सामान पैक कर लेता हूँ, अब ये घर छोड़ना पड़ेगा सिंचन हमको। चलो भैया निकलो हमारे घर से, और हाँ तुम्हारे फोन में लोकेशन भेज दिया, वो घर तुम्हारा हुआ, और इस घर में ना मुड़ के आ भी मत जाना। अरे यार मत भगाओ मेरे घर से, ये मेरा प्यारा घर है यार। निकल जा यहाँ से, निकल जा चुपचाप। अरे यार फ्रैंकल भैया जाना पड़ेगा क्या यार? फ्रैंकल भैया हमारा प्यारा घर, मैं तो इसको बहुत ही मिस करूंगा। सिंचन यार मेरा प्यारा घर, हम कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं, अब तो गाइस मैं इस घर को बहुत मिस करूंगा, मेरा प्यारा घर। गाइस इस घर की ना एक एक चीज मेरे को याद रहेगी। हाँ फ्रैंकल भैया चलो अब चलते हैं यार उस घर में। फ्रैंकल भैया वो कैसा घर होगा यार, उसमें कोई भूत तो नहीं होगा? नहीं सिंचन कोई भूत नहीं होगा, फटाफट से आजा तू गाड़ी में बैठ जा। वाह वाह फ्रैंकल भैया ये अच्छी बात हुई, हमें गाड़ी मिल गई, हमारे पास ना कोई गाड़ी नहीं थी सिंचन, हमें गाड़ी और घर तो मिल गया, लेकिन सिंचन ये हमारा घर छिन गया यार, हमारा घर ये कितना अच्छा था। चलो फ्रैंकल भैया अब देखते हैं इन्होंने हमको कौन सा घर दिया होगा। फ्रैंकल भैया कहा से इन्होंने हमको बड़ा घर दिया हो? नहीं सिंचन ये ना भाई बहुत बड़े गुंडे हैं, इन्होंने ना हमको कोई घटिया घर ही दिया होगा। अरे यार फ्रैंकल भैया पुलिस में जाके बोलो ना यार, इनकी बिन को यार शिकायत लगा दो यार। नहीं सिंचन अगर मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा ना तो पुलिस वाले भी यार इनके ही हैं यार, तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, अब क्या करें सिंचन। अरे यार फ्रैंकल भैया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, चलो अब देखते हैं हमारा वो वाला घर कैसा होगा जो इन गुंडों ने हमको दिया है। तो गाइस यार अभी मैं पहुंचने वाला हूँ उस लोकेशन पे जो गुंडों ने गाइस मेरे को लोकेशन दिया ना उस घर की। कौन सा घर है गाइस? अरे फ्रैंकल भैया ये सड़े सड़े घर है क्या यार? फ्रैंकल भैया ये घर है क्या? हाँ सिंचन ये जो पेड़ वाला है ना ये हमारा घर है यार, यहीं पे गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ। अरे फ्रैंकल भैया कितना गंदा घर है, और ये कितना छोटा है यार, हमारा घर कितना बड़ा था। आजा सिंचन अब अंदर जाके देख लेते हैं। गाइस यार ये तो बहुत ही छोटा घर लग रहा है यार, गाइस क्या कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा घर था। गाइस यार अब पूरे घर को देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीज है, ये वाला रूम में देखू क्या क्या रखा होगा। अरे फ्रैंकल भैया मैं भी आ रहा हूँ यार, रुक जाओ। अरे गाइस यहाँ पे तो कचड़ा रखा हुआ है यार हमारे घर में। फ्रैंकल भैया यहाँ पे सोने की जगह है या नहीं है? हाँ हाँ सिंचन देख लेते हैं यार, यहाँ पे खाने की है। और एक सेकंड सिंचन यहाँ पे ये कौन है? ए कौन है भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो? बदतमीज देखने जा बैठी हूँ मजे से। अबे तो ये मेरा घर है, तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे मुझे पता है माफिया वालों ने ये तेरे को घर दिया है, निकल जाऊंगी थोड़ी देर में, ज्यादा चिल्ला मत समझ गया? ए आंटी मेरे से फ्रैंकल भैया से ना प्यार से बोल ले वरना तेरी गुद्दी चटका देंगे। अरे जा देख लूंगी, माफिया वालों को कॉल कर दूंगी। अरे सिंचन इससे ज्यादा मत बोल वरना वो गुंडे हमें मारेंगे। गाइस यहाँ पे एक बेडरूम तो है, एक काम करूंगा सिंचन ये बेडरूम ना मैं ले लूंगा। हाँ हाँ फ्रैंकल भैया ये बेडरूम तुम ले लेना। गाइस यहाँ पे तो काफी सारा सामान रखा हुआ है, ये सारा सामान गाइस मेरा हो गया, मजा ही आ गया सिंचन। हाँ हाँ फ्रैंकल भैया ये तो तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरा बेडरूम कहाँ यार, मैं कहाँ पे सोऊंगा? अगर तुम्हारे साथ सोऊंगा तो याद रखना मैं रात को टॉयलेट कर देता हूँ। सिंचन यहाँ पे एक बेडरूम एकदम सिंपल सा, ये तेरा हो जाएगा, तू मस्त यहाँ पे रात को टॉयलेट कर लियो, बेड पे कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तू ही चादर धोइयो। अरे फ्रैंकल भैया ये बाथरूम है क्या? हाँ सिंचन ये बाथरूम है, देखियो कितना छोटा है, कोई बात नहीं फ्रैंकल भैया अब क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा।
जाएगा। फ्रैंकल भैया बाहर चलो ना घर के, एक बार बाहर चलते हैं, गार्डन देख के आते हैं, गार्डन वार्डन बालकनी कुछ है या नहीं है। आजा सिंचन जल्दी से देख लेते हैं। गाइस मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे कोई बालकनी वगैरह होगी नहीं क्योंकि ये घर ना बहुत ही छोटा है। अरे फ्रैंकल भैया फिर भी यार जाके चेक तो करें यार कहाँ पर है। अबे सिंचन यहाँ पर तो जगह ही नहीं है यार, बहुत छोटी जगह है, यहाँ पर काफी सारी घास भी उग रखी है, अब ना मेरे को ये सारी घास काटनी पड़ेगी। रुको फ्रैंकल भैया रुको मैं आ रहा हूँ यार, मेरा कच्चा फंस गया यार, कील में कच्चा फंस गया। अबे जल्दी आजा, तू भी क्या करता रहता है, कभी कच्चे में टॉयलेट कर लेता है, कभी कच्चा ही फंसवा देता है। निकल गया फ्रैंकल भैया, क्यों टेंशन ले रहे हो। अरे बेटा कौन हो तुम। अबे सिंचन ये कौन बोला, कहाँ से आवाज आई। बेटा मैं पेड़ बोल रहा हूँ बेटा, मैं पेड़। अरे अरे सिंचन ये कोई पेड़ बोल रहा है। अरे हाँ फ्रैंकल भैया ये पेड़ बोल रहा है यार, इसके अंदर से ये आवाज आ रही है, इसके ऊपर कोई बैठा है क्या। नहीं बेटा मेरे ऊपर कोई भी नहीं बेटा, बेटा मैं बहुत बूढ़ा पेड़ हो चुका हूँ बेटा, मैं बरसों से यहाँ पे खड़ा हूँ बेटा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है सिंचन, ये पेड़ हमसे बातें कर रहा है। अरे फ्रैंकल भैया ये कोई जादुई पेड़ है क्या। अरे बेटा मैं कोई भी जादुई पेड़ नहीं हूँ बेटा, लेकिन बेटा मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। अरे तो हमारे बारे में आप कुछ बताओ ना। बेटा मैं जानता हूँ एक माफिया ने तेरा घर छीन लिया और ये घर तेरे को दिया है। अरे हाँ हाँ पेड़ यार तुम तो सब कुछ जानते हो भाई, मेरे लिए बता दो यार मैं स्कूल में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। बेटा तू पास, हाँ मुश्किल लग रहा है लेकिन हाँ हो जाएगा जैसे तैसे। अरे वाह वाह फ्रैंकल भैया आज स्कूल में तो पास हो जाऊंगा, बहुत बढ़िया यार मजा आ गया। अब सिंचन चुप हो जाओ, एक बार इससे कुछ और पूछता हूँ। ए भाई मेरा पुराना वाला घर अब मेरे को वापसी कैसे मिलेगा, प्लीज बता दे। वो घर तो बेटा अब तुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बेटा मैं तुझे एक फैक्ट्री के बारे में बताता हूँ बेटा। उस फैक्ट्री का नाम नाव फैक्ट्री है बेटा। जब तू उस फैक्ट्री के अंदर घुसेगा ना बेटा, तुझे वहाँ पे एक चीज मिलेगी, उस चीज को तू फोड़ेगा, तेरे अंदर बहुत सारे पावर आ जाएंगे जिससे बेटा तू अमीर हो सकता है। अरे हाँ हाँ मैं नाव फैक्ट्री के बारे में जानता हूँ, वो नाव फैक्ट्री ना बहुत पुरानी है और उसमें ना आग लगी थी और अब उसके अंदर कोई जाता नहीं है, लोग कहते हैं उसके अंदर भूत आ गया। हाँ बेटा लोग डरते हैं उसके अंदर जाने से, अगर तुम जाओगे तो अमीर हो सकते हो। अरे चले चले फ्रैंकल भैया चलते हैं यार, वो चीज ढूंढते हैं जादुई और उसे फोड़ेंगे, उसके बाद हमारे अंदर पावर आ जाएगी फ्रैंकल भैया, हमको ना अमीर होना है। आजा सिंचन फिर किस बात की देरी कर रहा है, फटाफट से गाड़ी में बैठ, जलते ही से चलते उस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन फ्रैंकल भैया ये कुछ कह रहे थे यार भूतिया पड़ी है। अब नहीं सिंचन पहाड़ी वाड़ी नहीं है, वो फैक्ट्री है कोई अच्छे फ्रैंकल भैया फैक्ट्री है। लेकिन फ्रैंकल भैया क्या हुआ था मेरे को बताओ ना। अब सिंचन बहुत साल पहले ना उसके अंदर आग लग गई थी और उसके अंदर जितने भी बंदे काम करते थे ना वो सारे बंदे जल गए थे। तो सिंचन सब लोग कहते हैं वहाँ पे भूत वगैरह रहता है, तो उस फैक्ट्री के अंदर ना कोई जाता नहीं है। पर फ्रैंकल भैया अभी हम उस फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं यार, अगर हमको वहाँ पे कोई मिल गया तो क्या होगा हमारा। अब कुछ नहीं होगा सिंचन, क्यों टेंशन ले रहा है, हमको ना सिंचन अमीर होना कैसे भी करके, हमें छोटे घर में थोड़ा रहना। हाँ हाँ फ्रैंकल भैया सही कह रहे हो यार, मेरे को रिमोट कंट्रोल कार भी तो चाहिए, जरूर उस फैक्ट्री के अंदर जाएंगे और जादुई चीज लेंगे, उसके बाद फ्रैंकल भैया उसे फोड़ेंगे, उसके बाद हमारे अंदर पावर आएगी, उससे हम अमीर हो जाएंगे। हाँ सिंचन सही कह रहा है तू। फ्रैंकल भैया वो फैक्ट्री कब आएगी यार, मेरी तो बैठे बैठे कमर भी दुख गई। सिंचन ये जो तू देख रहा है ना फैक्ट्री, वो यही फैक्ट्री है। अरे फ्रैंकल भैया ये है क्या, ये तो बहुत डरावनी लग रही है यार। सिंचन ये ना जल गई थी यार पूरी, देख कितनी खतरनाक है, यहाँ पर ना कभी कोई आता नहीं है, एकदम सुनसान जगह है। अरे बाबरे फ्रैंकल भैया बहुत डर लग रहा है यार मेरा, ना हाथ पकड़ के रखना। हाँ हाँ सिंचन मेरे से ना बिल्कुल भी बिछड़ मत जाइयो, आजा चलते हैं इसके अंदर। फ्रैंकल भैया यार डर लग रहा है, कितनी भूतिया जगह लग रही है ये। कोई बात नहीं सिंचन आजा, हमें यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा, बस सिंचन तू और मैं ये सब इस फैक्ट्री के अंदर। अरे बाबरे फ्रैंकल भैया यार यहाँ पर तो मशीनें चल रही है। और गाइस ऐसा कैसे हो सकता है, गाइस इस फैक्ट्री में तो कभी काम ही नहीं होता, ये लाइट वगैरह कैसे जल रही है। चलो कोई नहीं गाइस आजा सिंचन जल्दी से वो जादुई चीज ढूंढ ले। लेकिन फ्रैंकल भैया वो दिखती कैसी है बताओ तो सही। अरे बाबरे गाइस यहाँ पे देखो पूरे काला काला हो रखा है, गाइस यहाँ पे पूरा आग लग गई थी। बताओ ना फ्रैंकल भैया वो चीज कैसी दिखती है। अबे सिंचन मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ सिंचन वो ना एकदम से चमक रही होगी। अरे एक सेकंड सिंचन ये क्या हो रहा है सामने, जल्दी आ रहा हूँ फ्रैंकल भैया, आ रहा हूँ मेरे को छोड़ के कहीं मत जाओ यार डर लग रहा है। गाइस यहाँ पे गोल्ड गोल्ड कुछ मेरे को दिख रहा है, पता नहीं गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिरकार मैं जाके तो देखूं। मेरे को लग रहा है गाइस यहाँ पर कहीं कोई गुंडा वुंडा तो नहीं मिल जाएगा ना। नहीं नहीं गाइस ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मैं, ये फैक्ट्री तो गाइस काफी सालों से बंद पड़ी है। लेकिन एक सेकंड गाइस यहाँ पर तो गोल्ड बनना है, गाइस यहाँ पे ना सोना बनना है, पता नहीं कौन यहाँ पे सोना बना रहा है। एक सेकंड गाइस वहाँ पर कोई है। अरे बाप रे गाइस ये कौन खड़ा हुआ है, सिंचन कहाँ है तू, जल्दी आ। अरे क्या हो गया फ्रैंकल भैया क्यों चिल्ला रहे हो। सिंचन सामने भूत खड़ा है भाई। अरे क्या है भूत, अरे बाप रे फ्रैंकल भैया यार कोई खड़ा है यार, पता नहीं साड़ी पहन के। अरे गाइस फंस गए बहुत गंदी तरह से हम तो। अरे फ्रैंकल भैया बोला था बताओ यार बताओ। अबे सिंचन कब बोला तूने, तूने तो बोला कि चलो उस फैक्ट्री में चलते हैं। अरे बाप रे यार हम तो फंस गए गाइस, अब क्या करें। गाइस यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम यहां से बच के एकदम सेफ अपने घर पहुंच जाएं। अब क्या करें सिंचन, तेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा क्या। नहीं नहीं फ्रैंकल भैया कोई आइडिया नहीं आ रहा, पूरा माइंड एकदम ब्लॉक हो गया यार, यहां पर तो भूत है फ्रैंकल भैया यार, ये मशीन ना भूत ही चला रहा है, यहां पर जो भी ये गोल्ड बना रहे ना वो भूत ही होगा। हां सिंचन मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री ना काफी सालों से बंद है, गाइस यहां पे भूत ना सोना बना रहा है। आजा सिंचन जल्दी ऊपर आ, हमें ना यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे नहीं फ्रैंकल भैया मेरी बात सुनो यार, यहां से निकलो मत यार, गोल्ड ही ढूंढ के जाएंगे। हां सिंचन मैं भी वही कह रहा हूं, यहां से निकलेंगे नहीं। गाइस वो भूत कहां गया। अरे फ्रैंकल भैया नीचे ही है यार वो। फ्रैंकल भैया सुनो
यार सुनो यार, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? अरे यार फ्रिंकल भैया पैंट गीली हो गई। अबे यार तूने फिर टॉयलेट कर दी? अरे हाँ फ्रिंकल भैया टॉयलेट निकल गई, अब क्या करें? मैं कह रहा हूँ फ्रिंकल भैया चलो इस फैक्ट्री से बाहर चलते हैं, मेरे को डर लग रहा है। गाइस देखो बाहर निकलने की जगह तो यहाँ से मेरे को मिल गई है। सिंचन क्या करें, बाहर चले या फिर वो शक्ति ढूंढे? अरे फ्रिंकल भैया बाहर चलो यार, ये अपनी रहने फैक्ट्री के अंदर, यहाँ पे भूत है यार, अजीब अजीब सी आवाज भी आ रही है। कोई बात नहीं सिंचन, अब तो हम यहाँ पे आए ना, अब वो जादुई चीज लेके जाएंगे। सिंचन हमको ना अमीर होना है यार, ये घिसी पिटी जिंदगी नहीं जीनी, कब से हम जी रहे हैं, अब सिंचन हमको अमीर वाली जिंदगी जीनी है। लेकिन फ्रैंकल भैया मेरे को बहुत डर लग रहा है यार, हमें पता भी नहीं है वो जादुई चीज कैसी है यार, और हम उसको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। कोई नहीं सिंचन, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। काम करता हूँ, यहीं से कूद जाता हूँ। अरे फ्रैंकल भैया तुम कूद रहे हो, लेकिन मैं कैसे कूदूं? कोई नहीं सिंचन, कूद जा, कुछ नहीं होगा, आ जा। अरे हाँ कूद जाता हूँ फ्रैंकल भैया, मैंने ना स्कूल में बहुत कूदा कादी करी है दोस्तों के साथ। अरे गाइस गिर गया मैं। गाइस मेरे को ना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई घूम रहा है। फ्रैंकल भैया सच बताऊं ना, मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई आत्मा घूम रही है। अबे सिंचन ये सब नाम मत ले, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे बाप रे यहाँ से मैं कूद भी नहीं पा रहा, कहाँ से जाऊंगा अब नीचे? रुको फ्रैंकल भैया मैं आ रहा हूँ, मेरे को छोड़ के कहीं मत चले जाना। चढ़ गया। अबे जल्दी आ जा सिंचन, नीचे सीढ़ियों से आ जाओ। ये मैं यहाँ तो कूद गया, अब अंदर देखना पड़ेगा। गाइस अंदर यहाँ पे कोई, गाइस ये कौन है? बेटा पैसों की लालच में आ गई तुम भी यहाँ पे? अरे फ्रैंकल भैया इसके तो खून निकल रहा है, ये कौन है अंकल? मैं भी आया था बेटा कुछ सालों पहले यहाँ पे पैसों की लालच में, लेकिन अब मेरी हालत देख रहे हो तुम, कैसी हालत हो गई है। याद रखना बेटा तुम्हारी भी अब ऐसी हालत हो जाएगी दोनों की। ये मत सोचना कि तुम अब इस फैक्ट्री से बाहर निकल जाओगे, जो एक बार इस फैक्ट्री में आ जाता है हमेशा हमेशा इस फैक्ट्री में रह जाता है। अरे यार ऐसा मत बोलो, बहुत डर लग रहा है फ्रैंकल भैया, चलो यहाँ से चलते हैं। अरे मेरी बात सुनो सिंचन, वो कहाँ गायब हो गया? अरे रे फ्रैंकल भैया वो तो भूत था यार। यार यार फ्रैंकल भैया यहाँ पे तो बहुत तगड़े तगड़े भूत है, अब फ्रैंकल भैया कुछ भी करो यहाँ से निकलो। नहीं नहीं सिंचन हम इस फैक्ट्री से ऐसे जा नहीं सकते, सिंचन हमको ना वो जादुई चीज ढूंढनी होगी कैसे भी करके। अब तो सिंचन वो जादुई चीज लेके ही जाएंगे हम इस फैक्ट्री से बाहर। लेकिन फ्रैंकल भैया वो क्या बोल के गया, वो कहता है जो भी इस फैक्ट्री में आ जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता, ये कौन है फ्रैंकल भैया सामने? बस सिंचन ये तो कोई भूत आ रहा है मेरे सामने आ गया। अरे बाप रे फ्रैंकल भैया फिर से पेंट गीली हो गई यार मेरी तो। डस लेंगी कितने साल हो गए खून नहीं पिया किसी का, अब फाइनली खून पियूंगी दो बच्चों का। अरे बाप रे फ्रैंकल भैया खून पीने की बात कर रही है, फ्रैंकल भैया बचाओ मेरे को। नहीं नहीं सिंचन रो मत तू यार, हमारे सामने भूत खड़ा है। ये ले जादुई चीज, इसके लिए तू यहाँ पे आया ना, हिम्मत है तो जा लेके जाके दिखा दे ये जादुई चीज। और गाइस जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना बीच में, यही वो जादुई चीज है सिंचन, इससे हम अमीर हो सकते हैं। लेकिन फ्रैंकल भैया ये भूत कर क्या रहा है? हिम्मत है तो लेके जाके दिखा दो इस चीज को, अगर बाहर लेके गए तो मान जाऊंगी तुमको। अरे गाइस अब बहुत डर लग रहा है, लेकिन सिंचन मैंने एक चीज लेके आया हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अरे क्या लाए हो बताओ तो। सिंचन ये आग से ना भूत डरता है, ये ले भूत ये ले। अरे अरे मर गई अरे वाह वाह फ्रैंकल भैया ओपी। गाइस जल्दी से कमेंट में फ्रैंकल ओपी लिख दो, फ्रैंकल भैया ने आखिरकार भूत को अच्छा सबक सिखा दिया, फ्रैंकल भैया ने भूत को जला दिया, वाह वाह फ्रैंकल भैया ओपी। गाइस यार मेरे को पता था कुछ ना कुछ ना हमारे साथ हरकत हो सकती है, इसलिए गाइस मैंने अपने साथ में ये आग वाली चीज लेके आया था। अब गाइस देखो वो भूत को मैंने जला दिया, और गाइस वो क्या कह रहे थे कि मैं यहाँ से जादुई चीज लेके नहीं जा सकता। आ जा सिंचन अब इस जादुई चीज को फटाफट से बाहर लेके चलते हैं। अरे हाँ फ्रैंकल भैया जरूर इस चीज को बाहर लेके चलेंगे, चलो फ्रैंकल भैया चलते हैं। अब तो फ्रैंकल भैया हम अमीर हो जाएंगे, और हमको अमीर होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ सिंचन किस में दम आ गया जो हमें रोक सकता है अमीर होने से, अब तो हम अमीर होके रहेंगे कैसे भी करके। वाह वाह फ्रैंकल भैया ओपी, जल्दी से फ्रैंकल भैया इसको फोड़ दो यार, उसके बाद तो हमारे अंदर काफी सारी पावर आ जाएंगी। चलो गाइस अब मैं जल्दी से इसको यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको ना जल्दी से फोड़ देता हूँ, उसके बाद तो गाइस हमारे अंदर पावर आएंगी, फिर तो गाइस हम जो मर्जी चीज ले सकते हैं। अरे कहाँ रह गया सिंचन? अरे फ्रैंकल भैया यहाँ पे कोई घूम रहा है यार, जल्दी आके देखो। अब कौन है सिंचन मेरे को तो बता। अरे फ्रैंकल भैया देखो ये कौन है। अब सिंचन ये कौन है यार, मेरे को लग रहा है सिंचन यहाँ पे ना ये वर्कर है, लेकिन ये फैक्ट्री तो बंद पड़ी है। ए कौन है तू? भूल गया मुझे, बड़ी जल्दी भूल गया, वही भूत हूँ मैं। अब सिंचन ये तो वही भूत है, तू सही में भूत है क्या? डस लूंगी। रुक जा अभी बताता हूँ तेरे को क्या करेगी। डसेगी, ये ले डस के दिखा, ये ले डस के दिखा। वाह वाह फ्रैंकल भैया ओपी, फ्रैंकल भैया मारो इस भूत को यार, ये ना बहुत परेशान करती है लोगों को, मारो। हाँ हाँ सिंचन जरूर मारूंगा। हाँ क्या करेगी, डसेगी डस ले, मार दिया। गाइस फाइनली आखिरकार मैंने इसको मजा चका दिया। आजा सिंचन अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है यार, क्या डरना सिंचन इन भूत भूतों से। हाँ फ्रैंकल भैया सही कह रहे हो यार, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है, क्यों डरें से। चलो चलो फ्रैंकल भैया संडे को फटाफट से फोड़ो, और उसके बाद फ्रैंकल भैया हमारे अंदर पावर आ जाएगी। हाँ हाँ सिंचन अब तू बस फटाफट से पीछे हट जा, अब फटाफट से हमारे अंदर पावर आने वाली है। वाह 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 फ्रैंकल भैया ओपी यार, बहुत फ्रैंकल भैया ओपी। अरे अरे सिंचन ये तो फूट ही नहीं रहा, अब क्या करें? अरे फ्रैंकल भैया स्पीड ने तो बताया था ये फूटेगा तो हमारे अंदर पावर आएगी। अबे अब क्या करें सिंचन, ये तो फूट ही नहीं रहा यार, ये पावरफुल गन है लेकिन इससे भी नहीं फूट रहा, तो ये किससे फूटेगा? अरे फ्रैंकल भैया क्या करें यार, कहीं हम फंस तो नहीं गए, हमारा टाइम तो खराब नहीं हो गया यार? अबे नहीं सिंचन कोई टाइम वाइम खराब नहीं हुआ। अरे अरे ये क्या हो रहा है सिंचन, देख सामने, पता नहीं फ्रैंकल भैया क्या हो रहा है। रुक जा सिंचन अंडे को फोड़ के देखता हूं, फूट जा यार, कब फूटेगा? गाइस ये तो फूटने का
का नाम ही ले रहा। अब मैं क्या करूँ सिंचन, मुझे क्या पता फ्रेंकिल भैया बस गन चलाते रहो, क्या पता एक दिन फूट जाए। लेकिन सिंचन इसमें से ये धुआं कैसा निकल रहा है, एक ये क्या हुआ सिंचन, वो कहाँ गायब हो गया। फ्रेंकिल भैया भागो यार, मेरे को लग रहा है यार भूत का कुछ चमत्कार है, भूत फिर से आएगा हमारे पीछे। सिंचन जल्दी गाड़ी में बैठ, अब निकलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ फ्रेंकिल भैया जल्दी निकलते हैं, रुको मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हो यार, बिठा तो लो। ले सिंचन जल्दी बैठ जा तू, चलो भगाओ फ्रेंकिल भैया, भगाओ फ्रेंकिल भैया। ये क्या हुआ हमारी गाड़ी के साथ। सिंचन हमारी गाड़ी तो यार डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो गई, ऐसा कैसे हो गया। अरे मुझे लगता है फ्रेंकिल भैया वो जैसे ही अंडा फूटा ना तो हमारे अंदर पावर आ गई। अरे हाँ गाइस यार हमारे अंदर फाइनली पावर आ चुकी है। मेरे को लगता है सिंचन हम जोन से भी गाड़ी में बैठेंगे ना वो गाड़ी गोल्ड और डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इससे ना सिंचन हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अरे वाह 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 फ्रेंकिल भैया, तुम रिमोट कंट्रोल कार के अंदर बैठ जाना, वो भी यार गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर तो अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा, वो भी मेरे को चिढ़ाते थे यार। अब तो खरीदोगे ना रिमोट कंट्रोल कार। हाँ हाँ सिंचन अब तेरे लिए बहुत सारे रिमोट कंट्रोल कार खरीदूंगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है सिंचन। लेकिन अभी सिंचन हम ना चलते हैं एक हेलीकॉप्टर खरीदने। अरे किससे हेलीकॉप्टर खरीदोगे। सिंचन मेरा ना एक दोस्त है, उसे ना डायमंड से बहुत ही ज्यादा प्यार है सिंचन। अब चलते हैं उसके पास, उसे ये कार दे देंगे और उससे उसका हेलीकॉप्टर ले लेंगे। और भाई क्या पीरा आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अरे भैया दादा की दादा भैया, अब भाई सॉरी तेरे लगी तो नहीं। अरे हमारी कार भी बिगड़वा दी, चलो दोबारा जाते नई लेके आते, चल मैं तेरे को पैसे दे दूँ। अरे पैसा बहुत है, उसकी टेंशन ना है। वाह 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 फ्रेंकिल भैया, तुम तो सब लोगों से सही मजे ले लेते हो यार। हाँ सिंचन बस हंसते खेलते रहना चाहिए जिंदगी में, जब तो सिंचन हम मोटिवेट रहेंगे। फाइनली गाइस हम उस बंदे के पास पहुंचने वाले हैं जिसको गाइस डायमंड से बहुत ही ज्यादा प्यार है ना। अब गाइस मैंने उसको ये गाड़ी दे दूंगा और उससे हेलीकॉप्टर ले लूंगा। वाह वाह फ्रेंकिल भैया, फिर तो हम उससे उड़ेंगे यार, मैंने कभी भी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा और तो और मैंने वो देखा भी नहीं है। देख सिंचन ये खड़ा हेलीकॉप्टर देख ले तू। अरे कॉल आया मेरे घर पे। अबे मैं आया भाई और तू बता कैसा है। अरे फ्रेंकिल कैसा अनुभव मेरे घर पे, ये बता। अमीर हो गया भाई, डायमंड की चीजें ले रहा भाई, मेरे को तो बहुत प्यारा डायमंड की चीजें से। अबे तो ये गाड़ी में तेल ले ही तो लाया। अरे क्या फ्रेंकिल सच बोल रहा है, ये गाड़ी तू मेरे लिए लाया। अरे हाँ हाँ अंकल ये गाड़ी आपके लिए लाए, ये गाड़ी ले लो और हमको अपना हेलीकॉप्टर दे दो। अरे फ्रेंकिल ये बच्चा क्या कर रहा है, सही कह रहा है क्या। अरे हाँ सही कह रहा है, तू बता गाड़ी ले लो और हेलीकॉप्टर दे दे। अरे ये डील तो बहुत अच्छी लगी, तू मेरा हेलीकॉप्टर ले ले, मैं तेरी गाड़ी ले लेता हूँ, मेरे को ना डायमंड से बहुत ही ज्यादा प्यार है यार। अरे वाह 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 फ्रेंकिल भैया यार डील पक्की होगी, अब चलो चलो हेलीकॉप्टर में बैठो और उसे उड़ाओ। सिंचन मेरे को लगता है ना जैसे हम हेलीकॉप्टर में बैठेंगे ना ये ना डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है फ्रेंकिल, मेरा सुना नहीं। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, चलो चलो फ्रेंकिल भैया उड़ाओ यार, मैं ये लो बैठ गया मैं भी, बहुत बढ़िया फ्रेंकिल भैया ओपी यार, चलाओ चलाओ। अबे सिंचन ये तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अरे वाह फ्रेंकिल भैया इस बार तो ये हेलीकॉप्टर यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अरे हाँ सिंचन सही कह रहा है। अरे क्या कर रहा फ्रेंकिल, कैसे चला रहा है इसको तू। अरे क्या कर रहे हो फ्रेंकिल भैया, क्या कर रहे हो यार, मारोगी क्या यार, अभी तो हम अमीर हुए भी नहीं है सही ढंग से, अभी तुम मार दोगे हमको। अबे नहीं सिंचन मारूंगा नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं भूल गया उड़ाना। रुक जा सिंचन अभी उड़ाता हूँ, मेरे ख्याल से इस बटन से उड़ता है। अरे हाँ फ्रेंकिल भैया दबाओ। ले सिंचन फाइनली अपना हेलीकॉप्टर उड़ने लग गया। वाह 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 फ्रेंकिल भैया दुनिया देखो कैसी लगती है ऊपर से यार, मैंने तो पहली बार देखी है ऊपर से नीचे की दुनिया। सिंचन मैंने भी यार एक बार सिंचन जब मैं छोटा था ना जब हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा था, लेकिन सिंचन उस बंदे ने ना हेलीकॉप्टर उड़ाया नहीं था, बोल रहा था इतने सारे पैसे दो जब भी उड़ाऊंगा, और मेरे पास तो सिंचन पैसे नहीं थे। फ्रेंकिल भैया मेरे पास भी कहां है पैसे। लेकिन सिंचन हम ना भी बहुत अमीर होने वाले हैं, तो टेंशन क्यों ले रहा है, तेरे पास मेरे पास हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा देंगे। और तो और सिंचन अब ना हम एक नया घर खरीदेंगे बहुत बड़ा वाला। लेकिन फ्रेंकिल भैया अभी कहां जा रहे हो ये तो बता दो। सिंचन अभी हम जा रहे हैं एक बंदे के पास, सिंचन उसके पास ना बहुत सारी गाड़ियां, कम से कम सिंचन उसके पास 2-3 हजार गाड़ियां, वो भी सुपर कार। अभी सिंचन उसके अड्डे पे चलते हैं और उसकी गाड़ी ना मैं गोल्ड और डायमंड के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, और सिंचन वो ना फिर मेरे को ट्रक भर के पैसे दे सकता है। अरे वाह फ्रेंकिल भैया ये के सामने ये जो मेरे को लग रहा है, हाँ सिंचन ये जो जगह है ना यही वो बंदे की जगह है, और यहीं पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी सुपर कार बहुत महंगी महंगी। अब सिंचन उससे मैं डील करूंगा और फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो जाएगा। वाह 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 फ्रेंकिल भैया ओपी यार, फ्रेंकिल भैया मिल लेना रिमोट कंट्रोल कार खरीद देना बहुत सारी। अब क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे से कितनी बार बोलूं सिंचन तेरे लिए रिमोट कंट्रोल कार जो तू बोलेगा वो खरीद दूंगा। फ्रेंकिल भैया थोड़ा नीचे धीरे लेके जाओ, मतलब यार मेरे को डर लग रहा है, पैंट गीली हो जाएगी। फ्रेंकिल भैया क्या कर रहे हो, ये ले सिंचन नीचे लैंडिंग हो गई। अरे यार फ्रेंकिल भैया इतनी दूर पैदल चलेंगे क्या। ले सिंचन थोड़ा और आगे रोक देता हूँ हेलीकॉप्टर को, ये ले यहीं पे रोक देता हूँ, काम करता हूँ। हाँ फ्रेंकिल भैया यहाँ पे बहुत बढ़िया, चलो। अरे क्या कर रहे हो, ठोक क्यों रहे हो। अब यार गलती से हो गया, कोई बात नहीं सिंचन उतर जाते हैं। अच्छा सिंचन जल्दी से इस बंदे से डील कर लेते हैं, ट्रक भर के पैसा मिलेगा फिर हमको। फ्रेंकिल भैया रुको यार, मिल ली कितनी तेज भगती हो। गाइस यहाँ पे देखो कितना सारा पैसा रखा हुआ है, और बाप रे इसके साथ तो बहुत सारे गाइस गार्ड भी खड़े हैं बंदूक लेके, और तो और यहाँ पे काफी पैसा लग रहा है। लग रहा है गाइस अभी ना इसकी गाड़ियां बिकी हैं। अरे भैया कौन हो तुम, यहाँ पे क्या कर लियो, उछल कूद मत मचाओ बनना भैया तुम्हारे गोली मलवा देंगे। अबे भाई मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, मेरी ना एक डील है भाई, मैं ना जहाँ पे तेरी जितनी भी गाड़ी है ना सबको गोल्ड और डायमंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बता मुझे पैसे देगा। अरे भैया एक बात याद रखना, यहाँ पे हम मजाक बिल्कुल भी नहीं चलना चाहते, अगर मजाक कर लोगे तो गोली मलवा देंगे। गाइस यहाँ पे देखो कितने सारे गार्ड है, अगर गाइस गोल्ड में गाड़ी कन्वर्ट नहीं हुई ना तो ये बंदा मेरे को मरवा देगा। हाँ हाँ जल्द मलवा देंगे, जाओ कल के दिखाओ, अगर तुमने
नकल दी गाड़ी गोल मकन में बहुत चला पैसा देंगे तुमको। तो गाइज मजा ही आ गया, यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियां है गाइज, लाइन से 1-2 हजार तो होंगी सिंचन। हाँ फ्रेंकिल भैया बहुत सारी गाड़ियां और ये ना सारी सुपर कार है, जल्दी से तुम इसे गोल्ड और डायमंड में कन्वर्ट कर दो, फिर ना इन गाड़ियों का रेट बढ़ जाएगा यार। हाँ सिंचन फटाफट से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां ना सबके अंदर बैठते हैं और इन्हें ना गोल्ड और डायमंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये पहली गाड़ी में गाइज में बैठा, अब देखते हैं ये, और गाइज ये तो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, वाह वाह फ्रेंकिल भैया ओपी यार। गाइज अब जल्दी से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां सबको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ गोल्ड में। फाइनली गाइज यहाँ पे जितनी भी गाड़ी थी गाइज मैंने सबके अंदर बैठ बैठ के उनको गोल्ड और डायमंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और गाइज गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ फ्रेंकिल भैया यार गाड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है और ओपी भी लग रही है, देख सिंचन कितनी मस्त मस्त लग रही है। एक काम करेंगे सिंचन, इस बंदे से ना 1-2 गाड़ी भी ले लेंगे और उनके बाद ना वो गाड़ी हमारी हो जाएगी और उससे ट्रक भर के पैसा भी लेंगे। हाँ फ्रेंकिल भैया पैसा तो जरूर लेंगे यार ट्रक भर के। एक सेकंड सिंचन यहाँ पे एक गाड़ी रह गई यार, वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई, उसे भी मैं जल्दी से गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ फ्रेंकिल भैया कर दो यार खाली पीली वरना डील कैंसिल हो जाएगी। ये गाइज मैं इसके अंदर बैठ गया, अब ये गोल्ड में, अरे गाइज हो गई ये भी गोल्ड में कन्वर्ट। सिंचन जल्दी इसके अंदर बैठ, अरे बैठे तो हुआ यार तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? अरे सिंचन मेरे को दिखाई नहीं यार, क्योंकि सिंचन मैं देख रहा था ना गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है। फ्रेंकिल भैया अब जल्दी से ट्रक भर के पैसा लो, उसके बाद फ्रेंकिल भैया तगड़ा घर खरीदेंगे एक नंबर, उसके अंदर मजे से रह करेंगे तुम मैं और चौप। अरे फ्रेंकिल भैया गाड़ी को उड़ा दिया तुमने तो, अलग कोई टेंशन नहीं है, तुम गाड़ी को जिस मर्जी को, हम तो भैया बहुत ही कुछ है तुमसे, तुमने हमारी सारी गाड़ी गोल गोल उसमें कन्वर्ट कर दिया, अब तो हम ट्रक भर के पैसा देंगे। अरे भाई लेकिन तेरे पास ट्रक भर के पैसा है भी, यहाँ पे तो थोड़ा ही रखा है। अरे भैया अंदर घर में रखा हुआ है, बहुत दबा के पैसा एकदम पेटी भर भर के रखा हुआ है, सारा पैसा वो तुम्हें दे देंगे ठीक है भैया। और उसके बाद जब हम ये गाड़ी बेचेंगे ना हमारे पास डबल पैसा आएगा, 2-3 ट्रक भर के पैसा आएगा, तुमको तो हम एक ही ट्रक भर के दे रहे हैं। चलो गाइस मजा ही आ गया, इस बंदे का भी फायदा हो गया मेरा भी। अब मैं बैनी को कॉल कर देता हूँ। अरे हाँ फ्रेंकिल बोलो यार, गाड़ी ठीक करना था, क्यों कॉल करिए? अबे बैनी तू जल्दी से एक बड़ा ट्रक लेके आ जा मेरे पास, वो जो पुराना वाला एयरपोर्ट है ना वहाँ पे। अरे क्यों भाई क्यों आना है ये तो बता दे। अबे तू आ तो सही। फ्रेंकिल भैया आ रहा है, बैनी ये नहीं आ रहा। अबे मैंने सिंचन उसे बोल दिया वो जरूर आएगा, वो अपना पक्का दोस्त है यार, ऐसे वैसे दोस्त को थोड़ी ना कॉल करी मैंने, वो जरूर आएगा। फाइनली गाइस यहाँ पे अपना बैनी आ चुका है और गाइस इन्हें ट्रक भी लेके आ गया था और मैंने इसके अंदर सारा पैसा लोड कर दिया। हाँ फ्रेंकिल भैया सारा पैसा लोड कर दिया। अरे हमें बहुत अच्छा लगा तुमसे डील करके, एकदम आराम से लेके जाना पैसा से, और बताओ हम बॉडी गार्ड भेज दे तुम्हारे साथ? अरे हाँ भाई बैनी के साथ ना बॉडी गार्ड जरूर भेज दो, कहीं किसी ने हमला कर दिया ना चोर वोर ने तो सारा पैसा लूट जाएगा। बैनी तूने कैलकुलेशन कर ली क्या कितने हुए पैसे? अरे हाँ फ्रेंकिल सारे पैसे जोड़ लिए भाई, पैसा तो बहुत दबा गया, अब क्या करना है इस पैसों का? अबे कुछ नहीं करना, तू फटाफट से जाओ और बैंक में जमा करा दे सारे पैसे, इसमें से थोड़ा पैसा तू भी रख लियो। अरे फ्रेंकिल भैया तुमने इतना कुछ हवाले कर दिया, हम तुम्हारे पैर छूना चाहते हैं। अरे यार मेरे पैर छू ना। अबे नहीं सिंचन तू कैसी बात कर रहा है? अरे भैया पैर छूना चाहते तुम बहुत अच्छे हो। अबे नहीं पैर वैर मत छू, जल्दी से पैसा बस जमा करा दियो बैंक के अंदर। फ्रेंकिल भैया कहाँ जा रहे हो यार ये तो बता दो। सिंचन मैं क्या कहता कोई बढ़िया सी गाड़ी छाट लेते हैं उससे चलेंगे नए घर में। हाँ हाँ फ्रेंकिल भैया अब तो हम नए घर में रह करेंगे बहुत मजा आएगा, लेकिन नया घर कब खरीदेंगे? अबे क्यों टेंशन ले रहा है, अपने माइकल दोस्त से बोलूंगा, माइकल दोस्त खरीद देगा ना। वाह फ्रेंकिल भैया ओपी यार, फ्रेंकिल भैया जल्दी आओ गाड़ी लेके यार, मेरे से अब चला नहीं जा रहा यार, धूप में आलस आ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी होने लगी है। फ्रेंकिल भैया उस घर में एसी भी होगा ना? हाँ सिंचन बहुत बड़ा घर खरीदेंगे। सिंचन मेरा सपना था एक बिल्डिंग के अंदर हमारा अपार्टमेंट होगा, उस अपार्टमेंट में ना सिंचन अब हम रहने वाले हैं, देख हमारे पास तो ट्रक भर के पैसा भी आ गया। ये किसको कॉल मिला दी फ्रेंकिल भैया? अबे माइकल को मिलाइए, उठा ले माइकल उठा ले। अरे बोल फ्रेंकिल बोल क्या बात है भाई, तेरी तरह खाली थोड़ी ना ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तू तो दिन भर घर पे बैठा रहता है। अबे मेरी बात तो सुन ले तू। बोल क्या बोल रहा है? अबे यार मेरे लिए घर खरीद दे बहुत बड़ा वाला, बहुत पैसा है मेरे पास। अरे क्या बोल रहा है, तेरे पास कहाँ से पैसा आ गया, तू तो एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, चल तेरे पास कोई पैसा नहीं, फोन का टाइम पास कर रहा है। अबे सिंचन यार इसको तो यकीन ही हुआ कि हम अमीर हो गए। हाँ फ्रेंकिल भी उसको तो यकीन ही नहीं हुआ, अब क्या करें? कोई नहीं सिंचन हम खुद जाके खरीद लेंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है सिंचन, मुझे लग रहा है फ्रेंकिल भाई ये ना चोर पुलिस का खेल खेल रहे हैं। अबे नहीं सिंचन ये ना एकदम रियल पुलिस लग रही है मेरे को। अरे चोर को पकड़ो चोर को पकड़ो। अबे हाँ चोर को पकड़ते हैं गाइस, वो ना रियल पुलिस है और एक चोर है गाइस, लग रहा है ये चोरी करके भाग रहा है। अरे फ्रेंकिल भाई इसको टक्कर मारो यार, कहीं भाग ना जाए। हमारी वजह से पकड़ा है वो चोर, देखो कैसे चोरी करके जा रहा था। अरे बच्चों थैंक यू तुम्हारा, तुमने चोर को पकड़वाने में मेरी हेल्प कर दी, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ समझ रहे हो ना। चलो ठीक है भाई मैं जाता हूँ। ठीक है चलो जाओ। चल सिंचन अब चलते हैं और एक बिल्डिंग में ना अपार्टमेंट खरीदते हैं बहुत बढ़िया वाला। गाइस यार मैंने माइकल को दोबारा कॉल करी थी और गाइस मैंने ना माइकल को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ, उसके बाद मैं अमीर हो गया। तो माइकल ने ना गाइस मेरे लिए यहाँ पे ना एक अपार्टमेंट खरीद दिया। अब गाइस जल्दी से हम जाते हैं और अपार्टमेंट देखते हैं कि हमारा अपार्टमेंट है कैसा। हाँ हाँ फ्रेंकिल भैया अपना अपार्टमेंट तो जरूर देखेंगे यार, उसके अंदर एसी होगा, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। लेकिन ये तो बताओ यार रिमोट कंट्रोल कार कब लाओगे? अबे ले आएंगे, पहले आ जा घर तो देख ले अपना नया घर है। हाँ फ्रेंकिल भैया नया घर है, चलो लिफ्ट से चलेंगे ऊपर, वाह वाह कितना मजा आ रहा है।
फ्रैंकल भैया यार लिफ्ट में तो मजा आ गया। हाँ सिंचन मेरे को भी मजा आ गया, मैं तो दूसरी तीसरी बार बैठा हूँ लिफ्ट में। अरे फ्रैंकल भैया तुम दूसरी तीसरी बार बैठी हो, मैं तो बहुत बार बैठा हूँ यार लिफ्ट के अंदर। सिंचन जल्दी आके घर देख यार कितना प्यारा है। अरे फ्रैंकल भैया जल्दी आओ यार मेरा पैंट फंस गई। अबे पैंट कहाँ से फंस गई, ऊपर तो कुछ है भी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ फ्रैंकल भैया मजाक कर रहा हूँ, ये दीवार देखो कितनी अच्छी लग रही है। अबे तू अंदर आके घर देखना, वो बाहर से दीवार क्या देख रहा है। आते हूँ फ्रैंकल भैया आते हूँ, देखो तो सही कैसा घर है हमारा। यार ये तो हमारे पुराने वाले घर से बहुत ही अच्छा घर है। यहाँ पर देखो गाइस हम बैठ के खाना खा सकते हैं और ये हमारी किचन है। यहाँ पे गाइस मैं मस्त मस्त खाना बनाया करूंगा हमेशा और फिर मस्त मस्त खाया करेंगे, क्योंकि गाइस अब तो हमारे पास बहुत पैसा है, हम तो अंधाधुन पैसा उड़ाने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे टीवी लगी हुई है और सामने सोफा है। यहाँ पे मस्त गाइस हम तो टच मैक्स गेमर की वीडियो देखेंगे, गाइस वो बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। और यहाँ से नजारा देखो गाइस क्या बढ़िया नजारा दिख रहा है। चलो गाइस अब जल्दी से ऊपर जाके देख लेता हूँ ऊपर जाके कौन कौन से रूम है वहाँ पे। गाइस पक्का ऊपर बेडरूम होगा, बाथरूम होगा और वार्डरूम होगा। गाइस यहाँ पे बेड मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, बेड थोड़ा गाइस पुराना लग रहा है। कोई नहीं गाइस यहाँ पे हम नया बेड ले देंगे। और गाइस ये देखो अपना वार्डरोब, यहाँ पे गाइस मैं नए नए कपड़ों की कलेक्शन बनाऊंगा और डेली कपड़े अपने चेंज करे करूंगा। और ये गाइस अपना बाथरूम है छोटा सा, एक बार शकल देख लूं। हाँ गाइस मैं तो सिंचन से गोर आ रहा हूँ। गाइस मैंने और सिंचन है ना यार शर्त लगा रखी है कि हम दोनों में से पहले कौन गोरा आएगा। अभी तो गाइस सिंचन ही गोरा है लेकिन कुछ दिनों में ना मैं भी गोरा हो जाऊंगा। अरे क्या बात कर रही हो यार, मेरी चुगली कर रही हो क्या? अबे नहीं सिंचन तो मेरा छोटा भाई है, तेरी चुगली क्यों करूंगा मैं, ना बस तेरे से गोरा होकर दिखाऊंगा। अरे नहीं यार मेरे से कभी गोरा तुम हो ही नहीं पाओगे यार, मैं तुमसे ज्यादा गोरा हूँ यार, तुम मेरे से काले हो। कोई बात नहीं सिंचन एक दिन मैं गोरा हो ही जाऊंगा। फ्रैंकल भैया आप ना मेरे हीरो यार, तुम टेंशन मत लो, जो मैं अपने चेहरे पे क्रीम लगाता हूँ ना वो क्रीम तुम्हें भी लगा दूंगा जिससे तुम भी गोरे हो जाओगे। अरे वाह यार सिंचन तू तो काफी अच्छा भाई है यार मेरा छोटा वाला। गाइस आप लोग ना इस वीडियो पे जल्दी से 10,000 लाइक कंप्लीट करा दो। अब सिंचन तेरे तो कोई बात ही नहीं मानता। अरे यार क्यों नहीं मानती, गाइस इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट करा दो फटाफट से और फ्रैंकल भैया को दिखा दो यार। अब जाना सिंचन तेरे तो कोई बात ही नहीं मानता, तू तो बेकार है। अरे नहीं नहीं मेरी बात मानते हैं, देखना फ्रैंकल भैया इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे जरूर। देखते हैं सिंचन होते हैं या नहीं होते। गाइस गाइस मेरी ना इज्जत का सवाल है, गाइस मेरी इज्जत रख लेना, इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट करा दो। जितने भी लोगों ने जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दो फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। गाइस अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए ना तो मेरी फ्रैंकल भैया के सामने ना यार बेइज्जती हो जाएगी यार बहुत बड़ी वाली। और गाइस अगर आप लोग हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो गाइस जल्दी से आप लोग ना कमेंट कर दो फटाफट से। गाइस मैं और सिंचन दोनों मिलकर आपको ना कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। जल्दी से गाइस कमेंट कर दो, जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो कमेंट कर दो यार फटाफट से। मैं और सिंचन दोनों मिलकर गाइस आपको जवाब देंगे, मैं और सिंचन दोनों मिलकर गाइस आपको रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस प्यारा वाला बाय।